ढेर टीवी के न्यूज दिस आर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक पर्यावरणीय मुद्दे की जो नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है। उमशियांग रूट ब्रिज अभी चर्चा में है, इसी के बारे में आज के एपिसोड में हम लोग जानेंगे। एक तरफ जहां मेघालय के उमशियांग डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रयास चल रहा है, वहीं हाल ही में मेघालय के इस लिविंग रूट ब्रिज को एक बड़ी मान्यता, एक बड़ा रिकग्निशन मिला है। नेशनल जियोग्राफिक टीवी ने इसे विश्व में घूमने के सबसे इनक्रेडिबल प्लेसेस की सूची में शामिल किया है। इसका मतलब है कि नेशनल जियोग्राफिक टीवी ने विश्व भर के पर्यटन सैलानियों को सिफारिश की है कि उमशियांग लिविंग रूट ब्रिज क्षेत्र को घूमा जा सकता है। नेशनल जियोग्राफिक टीवी के इस लिस्ट में इसके अलावा पेरू, एवरेस्ट और इजिप्ट के 3 स्थानों को शामिल किया गया है। नेशनल जियोग्राफिक टीवी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि कई इनक्रेडिबल प्लेसेस खोजने घूमने के लिए हैं, समय कम है और इन नेट जियो लोकेशंस में आपके बकेट लिस्ट में टॉप पर कौन सा है। इसका उत्तर देते हुए मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने लिखा है कि हमारा लिविंग रूट ब्रिज नेट जियो टीवी में दुनिया के इनक्रेडिबल प्लेसेस के रूप में दर्शाया गया है। स्थानीय भाषा में लिविंग रूट ब्रिज को जिंकियांग री कहते हैं और यह मानव संस्कृति और प्रकृति के बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी सहजीवी संबंध को दर्शाता है। मेघालय के स्थानीय समुदायों द्वारा पवित्र उपवनों या झुरमुटों, जिसे सेक्रेट ग्रोव्स कहते हैं, उसको संरक्षित करने के लिए एक पवित्र कस्टमरी प्रैक्टिस निभाई जाती है जिसे लॉ किंतैंग कहते हैं और इसी के जरिए लिविंग रूट ब्रिज को भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। लिविंग रूट ब्रिज रबर ट्री रूट से बने होते हैं जिन्हें फीकस इलास्टिका कहते हैं और ये वुडन ब्रिज के एक धारणीय विकल्प यानी सस्टेनेबल अल्टरनेटिव के रूप में भी काम करते हैं। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि पर्यटन के लिहाज से आपका सर्वाधिक पसंदीदा स्थान कौन सा है। आप हमें यह कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।